कोरोना वायरस ने बीते दो साल में पूरी दुनिया को तबाह कर दिया है। इन दो साल में लाखों परिवार खत्म हो गए। वैक्सीन के बावजूद अभी भी इसका संक्रमण कम होने का नाम नहीं ले रहा है। डेल्टा के बाद अब इसका ओमिक्रॉन वेरिएंट तबाही मचाए हुए है। चीन में भी हाल के दिनों में कोरोना के मामलों में इजाफा हुआ है। इस बीच दो हफ्तों के अंदर इस देश में विंटर ओलंपिक शुरू होने को है। इसे लेकर एक अजीबोगरीब खबर सामने आ रही है। खबर है कि बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक से पहले चीन कोरोना टेस्ट करने के लिए खिलाड़ियों के प्राइवेट पार्ट से सैंपल ले रहा है। पिछले साल भी चीन का एनल स्वैब टेस्ट करना विवादों में रहा था। अब ओलंपिक का हिस्सा बनने आए खिलाड़ियों को इस विवादित टेस्ट से गुजरना पड़ रहा है। चीनी समाचार पत्र द बीजिंग न्यूज के अनुसार बीजिंग में एक अपार्टमेंट में कम 27 लोगों के नमूने मालद्वार से लिए गए। इनमें एक 26 साल की महिला भी शामिल है। चीन के मुताबिक कोरोना को डिटेक्ट करने का ये सबसे सुरक्षित और सही तरीका है। इस टेस्ट में संक्रमित इंसान के मलाशय में एक टेस्टिंग किट को डाला जाता है और फिर इसे कई बार घुमाया जाता है। टेस्टिंग किट प्राइवेट पार्ट के तकरीबन 5 सेंटीमीटर अंदर तक जाता है। इसके बाद इसे अंदर की ओर घुमाया जाता है और स्वाब कलेक्ट किया जाता है। लैब में जांच करने से पहले स्वाब को हटा दिया जाता है। चीनी डॉक्टरों का मानना है कि इस तरीके से कोरोना की ज्यादा सटीक जांच होती है। बीजिंग युआन अस्पताल के विशेषज्ञ के अनुसार शरीर के ऊपरी भाग की तुलना में कोरोना वायरस एनस यानी मलाशय और इंसानी मल में काफी लंबे वक्त तक सक्रिय रहता है। बिना लक्षण के कोरोना संक्रमित लोगों के गले में कोरोना वायरस 3 से 5 दिन तक रह सकता है। इस वजह से टेस्ट का रिजल्ट कई बार नेगेटिव आ जाता है मगर व्यक्ति पॉजिटिव होता है। चीनी एक्सपर्ट्स के मुताबिक एनल स्वाब टेस्ट ज्यादा कारगर है। एक ओर जहां कुछ लोग एनल टेस्ट को अधिक कारगर बता रहे हैं तो दूसरी ओर कुछ जानकार ऐसा नहीं मानते। वुहान यूनिवर्सिटी के डिप्टी डायरेक्टर यांग जांगकी का कहना है कि कोरोना वायरस शरीर के ऊपरी हिस्सों से शरीर में प्रवेश करता है। संक्रमण का खतरा भी उन्हीं हिस्सों से अधिक है। ऐसे में थ्रोट और नेजल टेस्ट अभी भी एनल टेस्ट से बेहतर उपाय हैं। यांग ने कहा है कि ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें मरीज के मल में कोरोना वायरस पाया गया है मगर इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि वायरस ने व्यक्ति के पाचन तंत्र से शरीर में प्रवेश किया है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल TV9 डिजिटल। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।